अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो है व्लॉग नंबर 2, और ये मैंने जो है वो फ्राइडे और सैटरडे को जो है वो शूट किया था। और आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी आपको बता दूं कि हम UAE में रहते हैं, और मैं अपने हस्बैंड के साथ और बेटी है मेरी जो 1.5 ईयर्स की है, तो हम तीनों जो है वो यहाँ रहते हैं UAE में। और काफ़ी अर्से के बाद हम जो है वो मॉल जा रहे थे, क्योंकि जब से वायरस का इशू हुआ था तो हमने जो है वो इस तरह की जगहों पे जाना बिल्कुल छोड़ दिया था। और बस लास्ट वीक हम दुबई मॉल गए थे, और उस टाइम पे मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट नहीं किए थे, तो मैंने इसीलिए कोई वीडियो नहीं बनाई, अदरवाइज़ मैं वहाँ जाके शूट ज़रूर करती। तो अभी फ़िलहाल जो है वो हम जा रहे थे यहाँ एक मॉल में, और वहाँ पर जाके हमें थोड़ी सी जो है वो ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी और बस थोड़ा घूमना फिरना था। तो मैंने मॉल की इतनी ज़्यादा जो है वो शूटिंग नहीं की थी, बस थोड़ी सी शॉप्स थी। यहाँ पे एक शॉप थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और इसमें सारा जो है वो डेकोरेशन का जो था वो घर को डेकोरेट करने के लिए जो है वो आइटम्स थे, और ये बड़े प्यारे लगे थे मुझे, तो मैंने इसको शूट कर लिया था बस। और ये रही ओज, इसको अक्सर हम मॉल में जहाँ पे रश बिल्कुल भी ना हो और खुली सी जगह वहाँ पर छोड़ देते हैं, और ये फिर लेती है। उसके बाद फिर हम घर में आ गए थे, और रात को तकरीबन 10 बज चुके थे, और मैंने चने बनाना स्टार्ट किए थे पूड़ियों के लिए, ताकि नेक्स्ट डे मुझे उससे पूड़ियाँ बनानी पड़ें। तो इसके लिए मैंने जो है वो चने बॉईल करने के लिए रख दिए थे, और जब 80% चने बॉईल हो गए थे तो मैंने एक आलू भी डाल दिया था उसी के अंदर, ताकि वो भी साथ बॉईल हो जाए। और अलग से मैंने कढ़ाई में जो है वो तकरीबन 4 to 5 tablespoons ऑयल लेके उसमें हमने जो है वो एक मीडियम प्याज और एक मीडियम टमाटर काट के डाल देना है, और हमने इसको जो है वो इतना फ्राई करना कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए 3-4 मिनट के लिए। और साथ ही मैंने जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया था इसके अंदर 1 टीस्पून, और एक चिकन क्यूब डाल के इसको हमने तकरीबन जो है वो 3 से 4 मिनट तक अगेन फ्राई करना है। और इसको मैंने कवर किया था सिर्फ 1 मिनट के लिए, और उसके बाद मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड कर दिया था, और इसको हमने जो है ब्लेंड करना है। इसीलिए बेशक आप टमाटर प्याज मोटे भी काट लें तो मसला नहीं है, और इसको थोड़ा सा हमने सॉफ्ट होने देना है, 1-2 बॉयल आ जाएंगे इसके अंदर, और बस हम फिर इसको जो है वो ब्लेंड कर लेंगे। तो मैंने इसको जो है वो कवर करके रख दिया था, और साथ चने जो थे वो तकरीबन बॉयल हो चुके थे 95%। बस मैं आलू का वेट कर रही थी, और इस ग्रेवी को ठंडा करके आपने ब्लेंड करना है। जो मेरे पास ब्लेंडर है ये जो है वो थर्मो रेजिस्ट है, तो ये जो है वो टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा गर्म ही डाला था, अदरवाइज़ आप जो है उसको ठंडा करके डालें। और उसके बाद हमने इसको जो है वो इतना ब्लेंड करना है कि पूरा एक जो है वो अच्छा सा पेस्ट बन जाए थिक सा, और बिल्कुल टमाटर प्याज जो हैं वो ब्लेंड हो जाएँ, बिल्कुल नज़र नहीं आने चाहिए। और जो पूड़ियों के लिए चने बनते हैं वो थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनते हैं, अदरवाइज़ जो हम चने बनाते हैं वो अलग होते हैं। और पूड़ियों के लिए जो चने हैं उसमें जो है वो इस तरीके से पेस्ट बना के डालना होता है ग्रेवी का। आलू मैंने अलग कर लिए थे क्योंकि ये बॉयल हो गए थे, और इनको क्या करना है आपने कोई भी कांटा लेके मैश कर लेना है, और थोड़े से लम्स छोड़ दें और ज़्यादा से वो मैश कर लें, ताकि ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी थिक हो। अगेन मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल लिया था, और इसमें 1 चुटकी हमने कलौंची डालनी है, और जो ज़ीरा है वो आपने 1 टीस्पून या फिर 1/2 टीस्पून जितना आपको पसंद है वो डाल लें। और उसके बाद ये जो ग्रेवी थी जो मैंने ब्लेंड की थी वो डाल दी थी, और यहाँ पर सारे मसाले मैं ऐड कर रही थी, जिसमें मैंने जो है वो ज़ीरा पाउडर ऐड किया था और धनिया पाउडर, ये दोनों 1 टीस्पून, गरम मसाला मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया था, और जो नमक है वो आपने देख के ऐड करना है क्योंकि इसमें हमने चिकन क्यूब भी डाला है जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी होते हैं। हल्दी जो है वो मैंने 1/2 टीस्पून इसमें ऐड की थी, और लाल मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लें जितना आपको पसंद है, तकरीबन 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया था। और ग्रेवी को आपने बॉयल होने देना है, और उसके बाद ये देखें मैंने आलू जो हैं वो मैश कर लिए, ये इसमें ऐड कर देने हैं। और मैंने जो है वो 1 कप चने जो है वो भिगोए थे पानी में, और मैंने 1/2 कप चने जो है वो यूज़ किए हैं, तो ये 1/2 कप चनों के लिहाज से जो है वो ग्रेवी है, और आलू भी फिर आपने एक बड़े साइज़ का यूज़ कर लेना है। उसके बाद जो बॉयल्ड चने हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे, जब मैं ऐड कर रही थी तो मुझे लगा कि ये थोड़े से ज़्यादा हैं, तो फिर मैंने सिर्फ 1/2 कप ही जो है वो ऐड कर दिया था, वरना चने बहुत ज़्यादा हो जाते। तो ये देखें आलू और चने इस तरह मिक्स करके, और उसके बाद हमने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कवर करना है, ताकि ऑयल बिल्कुल ऊपर आ जाए, कलर भी अच्छा सा आ जाए, ग्रेवी थिक हो जाए। और हमारे चने जो थे वो रेडी हो गए थे। उसके बाद मैंने इनको ठंडा करके जो है वो फ्रिज में रख दिया था बाउल में डाल के, कि नेक्स्ट डे मैं इनको गर्म कर लूँगी।
तो जी ये है सैटरडे मॉर्निंग और मैंने जो है वो पूड़ियों के लिए आटा गूंदना शुरू कर दिया था। एक कप जो है वो आपने मैदा ले लेना है, सॉरी 1.5 कप मैदा लेना है और उसके अंदर हमने जो है वो 1/4 कप आटा ऐड करना है जो नॉर्मल रेगुलर आटा होता है। नमक इसमें मैंने 1/2 टीस्पून ऐड किया था, ऑयल से 1 टेबलस्पून से ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना और नीम गर्म पानी से जो है वो हमने इसको गूंद लेना है। मैं पूरी रेसिपी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आपको पता चल जाए। और थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी डाल के अच्छे से जो है हमने इसकी डो गूंद लेनी है और जब इस तरह से हो जाए तो मैं अगेन हमेशा की तरह इसको जो है वो काउंटर पे रख के और फिर गूंद लेती हूँ। थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है ऑयल को, ऑयल से हाथों को। और पूड़ियों के लिए एक जो है वो टिप ये है कि आपने ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना आटे को गूंदने में भी और बाद में बेलने में भी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ऑयल यूज़ करेंगे ना तो आपकी जो पूड़ियाँ होती हैं वो बहुत ऑयली बनती हैं और बहुत हैवी बनती हैं। और मुझसे क्या हुआ था कि मुझे क्योंकि बहुत जल्दी थी, सुबह सुबह मैं बना रही थी, तो मैंने जो है वो बेलते वक्त थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा यूज़ कर लिया था तो थोड़ी सी जो है वो ऑयली हो गई थी पूड़ियाँ। अदरवाइज़ फूलती ज़रूर हैं और बनती भी ठीक हैं लेकिन हैवी बनती हैं। तो इस तरह से मैंने पेड़े बना लिए थे सारे। और पहले हमने जो है वो हाथों को जो है वो यूज़ करके थोड़ा सा इसको जो है वो बेल लेना है और फिर मैंने बेलन पे थोड़ा सा ऑयल लगाया था और इसको बेलना शुरू कर दिया था। पूड़ियों को आपने बिल्कुल पतला बेलना है और जो कॉर्नर्स हैं ना वो आपने देखने हैं, वो पतले होने चाहिए, मोटे नहीं होने चाहिए। पूड़ी जो है वो सेंटर से और कॉर्नर से बिल्कुल जो है वो बराबर हो। और इस तरह हाथों से जो है वो मैंने फिर उसके बाद कॉर्नर्स जो थे वो पतले कर लिए थे। और बस आपने ये कोशिश करनी है कि जब पूड़ियों को आप बेल रहे हो तो जितना कम से कम ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं उतना यूज़ करें और खुश्क मैदा बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि पूड़ियाँ हार्ड बनती हैं। और अगर आप चाहें तो आप हाथों से बेल सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने इसको बेलन से ही बेला था। और ऑयल जो है वो फुल गर्म होना चाहिए फुल। और मैंने जिसमें पूड़ी डाल दी थी, पहली 2-3 जो पूड़ियाँ होती हैं वो आपकी वो इतनी फूलती नहीं है क्योंकि जो टेम्परेचर होता है ऑयल का वो सेट हो रहा होता है। उसके बाद जो आपकी पूड़ियाँ होती हैं वो फूलना स्टार्ट कर देती हैं अगर ऑयल आपका बहुत गर्म हो। तो ये देखें पूड़ी कितनी जल्दी फूल गई थी क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म था और फुल फ्लेम पे मैंने रखा हुआ था। और आपने इसको जो है वो 15-15 सेकेंड के लिए ही रखना है, एक साइड 15 सेकेंड और दूसरी साइड 15 सेकेंड। उससे ज़्यादा अगर आप इसको रखेंगे तो ये जो है वो कलर चेंज हो जाएगा और हार्ड भी हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि एक और आपको दिखा देती हूँ। फुल गर्म ऑयल में आपने इस तरह पूड़ी डाल के और ऐसे इसको ऊपर से जो है वो दबाते जाना है, ऑयल इसके ऊपर गिराते जाना है और ख़ुद ही ये जो है वो फूलना स्टार्ट हो जाएगी। और इसकी बस ये 2 टिप होती हैं कि एक ऑयल बहुत गर्म हो जब आप फ्राई करें पूड़ी और दूसरा ये कि इसको जब आप बेलें तो ऑयल कम से कम यूज़ करें, तकरीबन पूरे में 1 टेबलस्पून। तो ये देखिए हमारी पूड़ियाँ भी रेडी हो गई हैं जो कि बहुत सॉफ्ट बनी थी। साथ चने मैंने गर्म किए थे और ये थी आलू की तरकारी जो कि मैंने पहले से बना के रखी हुई थी। और ये हमारा नाश्ता तैयार हो गया था। फिर शाम को मैं दोबारा किचन में आई थी और मैं बना रही थी केक। फर्स्ट टाइम जो है वो मैं केक मिक्स यूज़ कर रही थी, इससे पहले मैं हमेशा खुद ही केक बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि इस बार जो है वो मैं देखती हूँ कि केक मिक्स से कैसा बनता है। और इस पर सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, आपने केक मिक्स यूज़ करना है। और इसमें जो है वो 2/3 कप पानी था, 2/3 कप, तो इसका मतलब होता है 10 टेबलस्पून पानी। और ऑयल इसमें ऐड करना था 1/4 कप प्लस 1 टीस्पून, यानी कि 4 टेबलस्पून और 1 टीस्पून। और उसके बाद 3 इसमें अंडे मैंने शामिल किए थे जो कि रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। बस मैंने सिर्फ ये देखना था कि जो हम घर में केक बनाते हैं वो और जो केक मिक्स से बनाते हैं उसमें कितना डिफरेंस होता है। तो बेक तो ये बिल्कुल ठीक हुआ था, जैसे कि बेक होता है केक, बड़के बड़ी अच्छा बेक हो गया था जल्दी। लेकिन जो इसका टेस्ट है वो नॉर्मल घर में बने हुए केक से बहुत डिफरेंट है। जो घर में केक बनता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और मैंने पहले भी जो है वो केक की जो है वो रेसिपीज़ ट्राई की हुई हैं और हमारे चैनल पर भी मौजूद हैं, आप वहाँ से देख भी सकते हैं। तो बैटर को मैंने अच्छे से बीट कर लिया था और पैन को ग्रीस करके ऑयल से थोड़ा सा इस पर जो है कुछ मैदा डस्ट किया था। और इस पैकेट पे जो है वो लिखा नहीं हुआ था कि आपने जो है वो ओवन को प्री हीट करना है या नहीं, लेकिन मैंने खुद जो है वो 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए जो है वो प्री हीट कर लिया था ओवन को। और इन्होंने लिखा हुआ था 45 मिनट्स बेक करना है लेकिन मैंने 35 मिनट्स बेक किया था और बिल्कुल जो है वो परफेक्ट बेक हो गया था।
और ये जो है वो मैंने केक रख दिया था ओवन में। और ओवन को प्री हीट लाजमी करें, तकरीबन 10 मिनट ज़रूर करें, और उसके बाद फिर जो आपका टाइम है बेकिंग टाइम वो आप सेट कर दें। और ये केक बहुत जल्दी फूलना स्टार्ट हो गया था और पूरे 35 मिनट में जो है वो ये केक बेक हो गया था। वैसे बेकिंग के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन जो इसका टेस्ट था वो इतना अच्छा नहीं था। नॉर्मल केक जो हम घर में बनाते हैं, और मैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी जो है वो केक की ज़रूर दूंगी व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग्स जो आएंगे और वो भी आप ट्राई करें तो बहुत अच्छा बनेगा। और उसके बाद बस अब रात हो चुकी है, काफ़ी काम मैंने अंदर किए थे लेकिन मैंने वो शूट नहीं किए, और अब मैं भिगो रही हूँ बादाम। लास्ट मेरा काम यही होता है रात को, जो मैं करती हूँ याददाश्त के लिए, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है, भूल जाती हूँ मैं ज़्यादा चीज़ें। और बस यही एक काम करके और उसके बाद मैं फिर फ्री हो जाती हूँ। तो आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कुछ आइडियाज़ हैं न्यू, तो वो मुझे ज़रूर दें, ताकि मैं अपना हर जो व्लॉग है उसमें कुछ न्यू जो है वो लेकर आऊँ। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।